होता है। हम लोग कोविड-19 के निषेधाज्ञा को देखते हुए बहुत सुरक्षित ढंग से हम लोग उसको पालन करते हुए पूजा, हम लोग पूजा अर्चना करते आ रहे थे। पूजा में काफ़ी लोग आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए उसका भी पालन करते हैं, लोग पूजा अर्चना करते। अचानक पुलिस तीसरी दिन में आया, पूजा होने के मोटा मोटी आधा घंटा पहले आके एक बैग आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया। तो आप समझिए, कोई भी चीज़ आप पहले उसको देखिए, एकदम एक बैग आके कोई चीज़ को बाधा देने के ये एक तरीका नहीं है, बंद करने का, लाठीचार्ज करने का तरीका नहीं है। मैं निमरी प्रखंड के प्रखंड प्रमुख आशीष सिंह पात्रो सह दलमा आंचलिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष, दलमा आंचलिक सुरक्षा समिति छोटा संक्षेप में आप लोग थोड़ा बता दूँ, दलमा आंचलिक सुरक्षा समिति माओवादी के खिलाफ लड़ने वाला एक सतत संगठन है। भारत सरकार पहले से ही सोच रहे थे कि भाई माओवादी को कैसे हम देश में मुक्त करें, लेकिन ये सच करके दिखाया दलमा के लोगों ने ही सतत रूप से एक संगठन तयार करके उसका नाम दिया दलमा आंचलिक सुरक्षा समिति, और लोगों माओवादी के खिलाफ लड़कर तीर धनुष से लड़कर माओवादी को यहाँ से खदेड़ा। पूरा अभी दलवा पूरा मुक्त, माओवादी से मुक्त है, उनका भी मैं अध्यक्ष हूँ। लेकिन बहुत दुखद स्थिति, बहुत खराब लगता है। पुलिस को पहले हम लोग 2000 से 2009 तो काफ़ी हम लोग मदद करते थे, पुलिस पब्लिक हम लोग नारा देते थे, पुलिस और पब्लिक एक हो एक हो, अभी भी वो नारा गूंजता है। लेकिन पुलिस तरफ से जो 26 अप्रैल की जो बामनी में जो घटना पुलिस के द्वारा आम जनता के बीच घटाया गया, ये बहुत ही निंदनीय है, आम जनता के प्रति एक अत्याचार है। बामनी में एक शिव पूजा पारंपरिक रीति रिवाज से, धार्मिक रीति रिवाज एवं पारंपरिक ऐतिहासिक रीति रिवाज से बहुत पूर्वजों से होते आ रहा है, वो त्रिदिवसीय होता है। हम लोग कोविड-19 के निषेधाज्ञा को देखते हुए बहुत सुरक्षित ढंग से हम लोग उसको पालन करते हुए पूजा, हम लोग पूजा अर्चना करते आ रहे थे। पूजा में काफ़ी लोग आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए उसका भी पालन करते हैं, लोग पूजा अर्चना करते। अचानक पुलिस तीसरी दिन में आया, पूजा होने के मोटा मोटी आधा घंटा पहले आके एक बैग आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया। तो आप समझिए, कोई भी चीज़ आप पहले उसको देखिए, एकदम एक बैग आके कोई चीज़ को बाधा देने के ये एक तरीका नहीं है, बंद करने का, लाठीचार्ज करने का तरीका नहीं है। लोग जब लाठीचार्ज किया लोगों के बीच, तो लोग आकर्षित हो गए, भाई ये क्या चीज़ है। तो लोग थोड़ा फिर ये को बोला पुलिस लोगों, भाई आप हटिए, ऐसा आप लोगों का ठीक नहीं है। तो पुलिस तो माने नहीं, पुलिस कहा कि भाई हम तो जैसे उन लोग का लगा कि वो सरकार का एक गुंडा, सरकार ने गुंडा भेजा है गांव में, तो ऐसे थोड़ी होता है। एक उदाहरण जैसे माओवादी को हम लोग खदेड़ रहे थे, इस टाइप बहुत ही खराब चीज़ है ये, हम लोग बहुत निंदनीय चीज़ है, इसको हम लोग दिल से, ग्रामीणों ने दिल से ये चीज़ को हम लोग मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यहाँ तक पूरे अंचल की बात है, वहाँ पे एक कहावत जैसे हम ये में देखे टीवी में, आज न्यूज़ चल रहा है भाई कि कोई आदमी ने आके किसी को फंडिंग किया, ऐसी वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। लोग एक पूजा होता है तो लोग अगल बगल के लोगों को आमंत्रण करते हैं, लोग श्रद्धा स्वरूप आते हैं, पूजा करते हैं, पूजा के जो पूजा में जो आनंद होता है, पूजा में एक श्रद्धालु मतलब अपने को शांति ये पाने के लिए लोग पूजा करते हैं, उस पूजा करते हैं, लोग आते हैं, पूजा में कुछ दान दक्षिणा जरूर करते हैं, एक रुपया दो रुपया। तो इसको आप मानिएगा कि वो फंडिंग किया, ये बहुत ही गलत है। और ऐसा हुआ भी नहीं, सुनने में आया कि भाई 50,000 रुपया किसी ने दिया, ये एकदम सरासर गलत चीज़ है, क्योंकि हम वहाँ के रहने वाले भूमिपुत्र है, उस गांव के भूमिपुत्र है, ये चीज़ सरासर गलत है। ये सब चीज़ टीवी में न्यूज में नहीं आनी चाहिए। जब भी कोई भी चीज़ कहे ठोस, उसको आप जान लीजिए ठोस क्या है नहीं है, उसके बाद ही कुछ चीज़ को कहिए। तो जो भी हो यही सच्चाई है, ये हम लोग कहते हैं, और यही सच्चाई चीज़ ये भी न्यूज में आनी चाहिए। तो सरासर गलत है, किसी ने नहीं कहा, पुलिस अपने खुद ही अपना मतलब वो चीज़ अपने अपने खुद ही किया, मतलब पुलिस पहले ही लाठीचार्ज कर दिया।
एक कोई तरीका नहीं है कोई किसी चीज को बाधा देने के। पुलिस तो किसी को लाठीचार्ज करने के लिए तो है नहीं, वो शांति को कायम रखने के लिए चीज है। पहले उसको समझाना चाहिए, मेला कमेटी है, मेला कमेटी से बैठे बात कर रहा था भाई, आप लोग देखिए अभी COVID-19 के समय चल रहा है, कमेटी से बैठ के सुलझा लेना चाहते। कमेटी से तो बातें नहीं किया, वो लोग सोचता है भाई ग्रामीण कमेटी क्या है, ये लोग कुछ जानता नहीं, आके एकदम बूढ़ा बूढ़ी लोगों को लाठीचार्ज, जिसके चलते ये घटना घटा। झड़प के बाद मेरे, मैं प्रखंड प्रमुख हूँ दलमांचल, पहले भी कह चुके हैं दलमांचल सुरक्षा समिति के समाज सेवी आदमी भी हूँ, और मेरा रेपुटेशन भी अंचल में आशीष सिंह पात्रों का क्या है वो आपका आप लोगों का नज़र में है। मेरे को, मैं घर में थे जिस समय घटना घटी, उस समय हमको बुलाया नहीं गया है, हमको जानकारी नहीं दी गया है। फिर हम घर में थे, हमको अचानक एकदम क्या बोले पुलिस की कार्रवाई जो एन आई पूर्वक मेरे ऊपर अत्याचार किया। देखिए मेरा अभी भी हाथ में ये है, यहाँ पर मेरे को लाठी से वो लोग मारा। एक अध्यक्ष को, एक आम आदमी को मारना ये शोभनीय चीज़ नहीं है, ये नियम के खिलाफ चीज़ है, ये सब चीज़ करना नहीं है, हम लोग इसको विरोध करते हैं। एकदम मतलब टान के खींच के मेरे को गाड़ी में बैठा, ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए, जाँच के बाद इसको कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। मैं कार्रवाई की अपेक्षा रखता हूँ।